सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। जब वापस से खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट एंड गाइस, आज मैं ऊपर आ चुका हूँ अपने एक्सपी फार्म के और भाई तगड़ा लायक हो चुका है क्योंकि हमें इतने सारे जॉम्बीज वगैरह स्पॉन हो चुके हैं। मैं कम से कम आई थिंक एक घंटे से ज़्यादा तो एफ के था ही। भाई कितने सारे भाई, मेरा गेम लैग कर रहा है गाइस। यू नो मैं स्वाइप नहीं कर सकता, भाई एक्सपी कहाँ उड़ के जा रही है। चलो गाइज इनको मारते हैं। एंड गाइज मैं आपको अपनी एक्सपी दिखाता हूँ फिर। ओ भाई कितना टाइम लग गया एक्सपी कलेक्ट करते करते। एंड गाइज बहुत खतरनाक चीज़ें हो चुकी हैं। लोग भी सोच रहे हो भाई ये क्या बन गया है मेरा वर्ल्ड। तो ये सब पिछली वीडियो में हुआ है और आप लोग बोलोगे पिछली वीडियो डली नहीं। भाई पिछली वीडियो नामक चीज़ ही नहीं है यूट्यूब पे। और मैं साउंड बढ़ा रहा था भाई अच्छी खासी। और गाइज वो असल में क्या हुआ कि मैंने पिछली वीडियो में एक आयरन फार्म बनाया था जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। मतलब वीडियो बहुत छोटी थी लेकिन ये सब हो गया था भाई, पता नहीं कैसे मैंने कर दिया था। और एक एक्सपी का और भी रह गया भाई, इतनी दूर दूर एक्सपी उड़ उड़ के गई हैं, दूसरे आइलैंड तक पहुंच गई हैं उड़ उड़ के। एंड गाइस ये भी मैंने कल बहुत सारे ट्री वगैरह उगा दिए थे वीडियो के चक्कर में। ये सारी चीज़ें उस चक्कर में ही बनी है और यहाँ पे फ्री का एक हनी फार्म बन चुका है। और गाइस ये सब हो चुका है मिस क्योंकि वो सब था पिछली वीडियो में। भाई क्या करूँ भाई, सो गाइस मैं बस आपको सॉरी कह सकता हूँ और तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता फिलहाल। एंड पहले ऐसा करता हूँ मैं सामान चेक करके आता हूँ। और ये भी हम अभी सही करने वाले हैं सब, मतलब हार्वेस्ट करने वाले हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कितना मिलेगा। बट गाइस आज मेरे को चाहिए फुल डायमंड आर्मर। अब मेरे को लग रहा है बीच में एक एक्सपी मिली है क्योंकि आवाज़ आई है उसकी। ओ भाई और कोई गिरा भी है, टपका है ऊपर से। भाई मेरी सॉल्ट की एच भी बहुत ज़्यादा कम है। मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ भाई, अंधों की तरह। लेट्स गो। उसे एक पटेटो मिल चुका है हमें। यहाँ पे भी कैरेट वगैरह ही पड़ी है, कुछ काम का ज़्यादा नहीं है। बस एरोज उठा लेते हैं थोड़े से, यू नो ना बो चलाने के लिए तो एरो चाहिए ही। और ऐसा करता हूँ एक बढ़िया सा बो लेके अपने बो को रिपेयर भी कर लेता हूँ और यहाँ से भी थोड़ी सी एरोज उठा लेता हूँ। ओके लेट्स गो, अपना वो करते हैं सबसे पहले रिपेयर। ओके कोई नायरन गोलम को मारना पड़ेगा क्योंकि भाई इससे पूरा गेम लैग हो रहा है। भाई इनने पूरा गेम लैग कर दिया है। कम से कम मैंने 5 से 6 ही स्पॉन किए लेकिन इनने मेरा गेम लैग कर दिया, फसलें बर्बाद कर दी हैं। मतलब अभी नहीं करी लेकिन भाई इसने 6 से 7 बार फसलें बर्बाद कर दी है मेरी। अब इसको लग रहा है बुलाना पड़ेगा। अच्छा एक तो यार मैंने ही स्पॉन किया यार, ये मारना पड़ेगा मेरे को ही यार। सॉरी फिर भी अपना आयरन बर्बाद किया है लेकिन भाई क्या है। अब मैंने अपने वर्ल्ड को थोड़ा लैग फ्री बनाया है और ये अभी भी कंटिन्यू लगे हुए हैं क्योंकि मैंने आधे ज़्यादा विलेजर ही मारे हैं। और मेरे को लग रहा है इसको छोटा करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको भी मैं अभी छोटा कर दूंगा थोड़ी देर में। एंड गाइस यहाँ से मैंने बहुत सारे
सो गाइस हो गया है। और वैसे मैं ऐसा करता हूँ, मेरा आर्मर ऑलमोस्ट टूट चुका है। जल्दी से अपना आर्मर बना लेते हैं। हेलमेट, चेस्ट प्लेट, बूट्स, लेकिन का आयरन थोड़ा सा ले लेते हैं। ओ गाइस आपको आयरन फार्म दिखने को मिल जाएगा, मतलब थोड़ा डिसेंट सा ऐसे ही है, अजीब सा थोड़ा सा आपको, लेकिन फिर भी मैं दिखाने वाला हूँ। इसको ले लेते हैं और अपना नया आर्मर पहनते हैं और पुराने आर्मर को फेंको। नया आर्मर पहन लो, पुराना आर्मर ये रहा। एक फ्लिंटल स्टील भी पड़ा था, यहीं पर जला दो, बुझ जाओ भाई, घर में आग लग जाएगी। और भाई थोड़े बहुत टूल वगैरह बना लेते हैं। कैसे अगर आपको वॉइस आई हो, मैं चुप इसलिए हुआ था क्योंकि भाई इतनी तेज से साउंड आ रही है भाई, और ये मैंने पिछली वीडियो में किया था, ये सब भाई पिछली वीडियो में हुआ है। पिछली वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी थी, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि छोटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी थी वो वीडियो। एंड गाइस मैं अभी आपको अपना आयरन फार्म भी दिखाने ही वाला हूँ बस थोड़ी देर में। एक मिनट भाई, मैंने सहनी लगा ला चाह रहा है। और गाइस ये दो बॉटल मेरे को विच को मार के मिली थी, और ये मेरा ऑटोमेटिक भी, ऑटोमेटिक तो नहीं कहते, सेमी ऑटोमेटिक ही कह सकते हैं इसको तो। ओके 16 से स्टैक इसका 16 का होता है। हेलो भाई, व्हाट्स अप? नहीं, और असल में मैंने आयरन गोलम भी मारे हैं तो उसका आयरन भी है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे को ज़्यादा वो नहीं मिली, मतलब क्या कहते हैं, पॉपी सिर्फ एक ही मिला था, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया पूरा। और गाइस अपनी इन्वेंटरी खाली करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं और थोड़े बहुत एमराल्ड ले लेते हैं, फिर मैं आज का अपना गोल बताने वाला हूँ आप लोगों को। ओके लेट्स गो टू ट्रेडिंग। और भाई मैंने अभी तक अपने लाइब्रेरियन से ट्रेड भी नहीं करी है, वैसे मेरे पास लाइब्रेरियन भी बहुत सारे हैं। और देखो भाई अभी अभी 500 से 600 बंदे आबादी कम करी थी और वापस बढ़ चुकी है, मेरे को लग रहा है इनके बेड ही तोड़ने पड़ेंगे। और मैंने किसी लाइब्रेरियन से वैसे हाँ ट्रेड करी नहीं है, सिर्फ एक ही लाइब्रेरियन से करी थी जो कि मर चुका है। गाइस ट्राइडेंट भी मेरे को असल में पिछली वीडियो में ही मिला था। भाई कौन से ट्रेड कर रहा है? कर सो बनी सी तेरी है ऐसी की तैसी, तेरा लेफ्टन का है, बाद में देखूँगा। एक मिनट यार, इसे ट्रेड नहीं करनी थी, इनका मेरे को ट्रेड रिसाइकल वगैरह करनी होती है। आया नहीं आया भाई, वो लेक्टन ही नहीं आया। ये लगा दी, कोई जॉब लेगा? ले ली, किसने लिया? तूने लिया? तेरा लेक्टन ये वाला है लग रहा है भाई, जॉब छोड़ते ही दूसरी जॉब पकड़ते हैं ये लोग। फिर भी यार अभी तो मेरे को बस एमरल्ड चाहिए, एन्चेंटमेंट्स बाद में देख लेंगे जब हमें चाहिए होगी। भाई पेपर 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 वाला है, किसी को पेपर चाहिए? पेपर भाई इसको चाहिए भाई, किसको चाहिए ही नहीं भाई। वैसे तो हाँ ये रहा भाई बंदा, मिल गया दो एमरल्ड फ्री के। भाई बहुत एमरल्ड है भाई, बहुत एमरल्ड की कमी नहीं है भाई, एक स्ट्राइक से ज़्यादा एमरल्ड हो गए। और कोई देखा भाई? सबसे पहले अगर हाथ में एमरल्ड पकड़ो, सब हाथ में अपना सामान दिखा देते हैं। एक मिनट, ये फालतू का आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे? पेपर पेपर किसी को चाहिए? पेपर तेरे को भी नहीं चाहिए भाई? अच्छा इसकी भी लाइब्रेरी की ट्रेड ख़त्म हो चुकी है, इससे भी ट्रेड कर ली भाई। कोई लाइब्रेरियन भी नहीं बचा क्या? तो कोई एमरल्ड नहीं चाहिए क्या ब्रो? भाई पेपर ले लो। फाइनली अब आपको आयरन फार्म देखने को मिलने वाला है भाई, तब से बोल रहा था अब दिखाऊंगा, लेकिन अब हम फाइनली जा रहे हैं आयरन फार्म देखने। और उस आयरन फार्म को मैं ऐसा फूड फार्म भी यूज़ करता हूँ, वो आपको अभी मैं बताता हूँ कैसे। पहले वहाँ पे चलते हैं, ये लिया अपना ट्राइडेंट, मारो एक और मारो, एक बार थोड़ा ऐसे करके मारते हैं। एंड अभी अपने आयरन फार्म के ऊपर से होते हुए, और ये गाइस चेस्ट मेरी नहीं है, ये असल में नूक की है, और जो लोग नहीं जानते नूक कौन है, वो मेरा छोटा भाई है। वाह आयरन, आह क्या आवाज़ है, मारो मैं भी हाथ लगाता हूँ, मारो 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 भाई, तुम लोग मारो
और गाइस यहाँ पे देखो कितना सारा आयरन है, कितना सारा आयरन है। और गाइस इसमें सामान इसलिए है क्योंकि मैं ऊपर से असल में हाथ में कैरेट पीट वगैरह पकड़ के उनको नीचे फेंक देता हूँ, मतलब नीचे नहीं फेंकता, नीचे हम ऊपर जो उतने भी मॉब्स होते हैं उनको नीचे फेंक देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिखाने के लिए मेरे पे अभी कुछ नहीं है, अगर आसपास कोई मॉब होता है मैं उसको यहाँ तक लाता हूँ, देन उसको हाथ मार के नीचे गिरा देता हूँ। यहाँ पे लावा है तो उसको फूड मेरे को मिल जाता है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है इसके, लेकिन ऐसे टाइम पास के लिए मैं करता रहता हूँ ये सब। अब चलते हैं वापस घर पे। वो सब करने से पहले मेरे को अभी भी एक चीज़ याद आई, मतलब मैं इस वाले घर में रहता हूँ भाई, मैंने एक जो अपना अनब्रेकिंग वाला विलेजर है 3 वाला, वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने एक अपना अनब्रेकिंग 2 वाला विलेजर यहाँ पे कहीं पे दबा के रखा हुआ था, वो तो भाई मैंने यहाँ पर अभी भी है। ये देखो अनब्रेकिंग 2 भी दे रहा है, इससे ट्रेड करनी है मगर थोड़ी सस्ती कर दे ट्रेड तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि नहीं होने वाला है मेरे को पता है। तो गाइस मेरे को इससे पेपर ट्रेड करना चाहिए था, तो ऐसा करता हूँ मैं जल्दी से अपने एमरल्ड्स वगैरह लेके आता हूँ इनका, जिससे लेते हैं भर के अनब्रेकिंग, भाई अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग ले लेंगे। लेकिन मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट ही, मेरे को लगा जगह जगह से जा जा के थोड़े बहुत लेदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि लेदर भी मेरे पे ऑलमोस्ट ख़त्म है। गाइस अब हो चुका है दिन एंड, गाइस आज मेरे को चाहिए फुल्ली डायमंड आर्मर, मतलब ऐसे मैंने फालतू में इतना आयरन वेस्ट किया है इसको बनाने में, लेकिन फिर भी मेरे को आज अपना एक फुल्ली डायमंड आर्मर चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक माइन बना रखी है। वैसे तो भाई यहाँ से टॉर्चेस कहाँ गई, लग रहा है मैंने कभी पानी गिरा दिया होगा, कोई बात नहीं मैंने यहाँ से टॉर्चेस ले लिए हैं। और गाइस लगाते हुए चलते हैं, लेट्स गो। असल में मैंने पता नहीं कभी ना कभी तो पानी गिरा ही दिया होगा, मैं 2-3 बार यहाँ पे पानी गिराया है, तो मेरे को तो आदत है भाई यहाँ पे टॉर्चेस लगाते हुए जाने की। ओके वैसे इसके नीचे तक के, हाँ भाई टॉर्चेस टूटी है भाई, थोड़ी सी इस साइड को भी लगा देते हैं। मैंने यहाँ तक अपनी एक केव बना ली होगी, क्योंकि यहाँ पे आयरन पिकेक्स भाई जल्दी टूट जाती है। ऊपर चलते हैं, और गाइस मेरे को अपना अनब्रेकिंग वाला जो लेजर है उसको ढूंढना पड़ेगा, पर मिल जाएगा वैसे तो, मरा तो नहीं होगा वो, ऐसे में मेरा रिप्टाइल वाला मर गया था लेजर, जरा उसको ढूंढ कर आते हैं, देन अपनी पिकेक्स पे लगाते हैं, 2-6-7 पिकेक्स लेके चलते हैं गाइस, लेते हैं डायमंड एंड बनाते हैं अपना फुली डायमंड आर्मर। तो गाइस अभी बुक्स वगैरह का इंतजाम हो चुका है, और मैंने काओ को तो बिल्कुल नहीं मारा भाई, और बस एक एमरल्ड कम रह गया भाई, अनब्रेकिंग 3 मिल जा, मतलब मिल जाएगी, बट यार इस पे अनब्रेकिंग 3 लगी हुई है पहले से ही, कोई बात नहीं अपने एक नई पिकेक्स बनाते हैं और उस पर लगाते हैं अनब्रेकिंग, एंड देखता हूँ अगर मेरे को वहाँ पे कोई एफिशिएंसी वाला ब्लेजर मिल जाए तो, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो गाइस अक्सर आपको भी गुस्सा नहीं आएगा ये देख के, तो भाई मेरे पे पहले से ही इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई थी, मैंने देखा भी नहीं था, मतलब मैंने भी अपनी बुक डाली है इसमें, लेकिन इतनी सारी बुक पहले पड़ी हुई थी, फिर भी उसमें भी यार मैं बुक बना रहा था बैठ के, मैं पागल हूँ भाई। और मैंने इसको अनब्रेकिंग 3 बना लिया, एंड मेरे पे स्टिक्स पड़ी होंगी, यस आयरन पड़ा होगा, यस मतलब आयरन की तो भाई कोई नहीं है, कोई कमी नहीं है भाई तुम्हारे भाई पे। और ऐसा करता हूँ 2-3 बना के लेके चलता हूँ, और मेरे पे एक सॉर्ड भी नहीं है तो सॉर्ड भी बना लेंगे, आयरन में कन्वर्ट किया, एक सॉर्ड बनाई, 2 पिकैक्स बनाई, और चलते हैं डायरेक्ट माइनिंग पे। वैसे इतना सस्पेंस लगाने की जरूरत नहीं थी मेरे को, इसको थोड़ा सा मैं रिपेयर कर लिया, इस वाले पे एक्सपेंड ब्रेकिंग भी लगा ली, और अब बारी है एक एफिशिएंसी वाला विलेजर ढूंढने की। कौन पागल हुआ, अब मेरे को लग रहा है पीछे मेरे को एक और विलेजर लेके आना पड़ेगा, या फिर वहीं पे आधा घंटा मगजमारी करना पड़ेगा, देखते हैं भाई एफिशिएंसी 5 कब तक मिलेगी हमें। मैं मेरे को एफिशिएंसी 5 तो नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन 4 वाला एक विलेजर मिल चुका है, जिसको मैं सोच रहा हूँ स्टोर करके रख लूँ। वैसे मेरे को भी इसके स्टोर करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी और भाई यहाँ तक लाने में जो हालत ख़राब हुई है ना इसको, मेरे को ही पता है वैसे, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसको यहीं पे अभी हम कर देते हैं बंद। ये लो भैया तुम्हें कर दिया है ज़िंदगी भर के लिए बंद। अब मैं आ चुका हूँ रीडिंग करके, और मेरी आपको एक्सपी दिख रही होगी, और मैंने यहाँ पे असल में थोड़ी बहुत बॉटल्स बना के वहाँ पर रख रहा था रहने के लिए। ये हैं बहुत सारी बुक्स, इसमें एफिशिएंसी 5, फॉर्चून 3,
और दो लूटिंग और दो शैप में इसकी टूटी, मतलब दो लूटिंग टूटी और तो कुछ नहीं कुछ सर्वाइव वगैरह, क्योंकि भाई रास्ते में मिल रही थी तो क्यों नहीं लेंगे भाई। लेकिन गाइस अब मैं इसको लगाने वाला हूँ अपने पिकैक्स एंड एक्स और सब पे, मतलब अभी सॉल्व और भी नहीं लगा रहा था कि भाई अभी हम डायमंड की चीज़ें बनाने वाले तो डायमंड पे लगाएंगे, डायरेक्ट इस पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स गो भाई, अभी आ चुका था किसी का कौन जो कि मैंने कट कर दिया भाई। अरे गेमर्स में भाई वीडियो बना रहे हैं भाई, बीच में फोन करने की जरूरत क्या है। ओह यू नो हमने तो वाइफ को और गाइस सबसे भाई ईयरफोन लगाने से इम्पोर्टेंट, ईयरफोन लगाया भाई वीडियो स्टार्ट कर दी एक तो मैंने, और गाइस मैंने 15x भी कर ली है भाई अपनी, सबसे बढ़िया चीज़ ये। और अपने मैंने दो तीन प्लान्स और सोचे हैं, लेके चलते हैं डायरेक्ट माइनिंग करते हैं। सो गाइस मेरे को ही लग रहा है थोड़ा बहुत कम एक्सरे दे रहा है और बहुत बुरी थिंग, मेरे पे अनब्रेकिंग की बुक्स ही नहीं है, और गाइस अनब्रेकिंग की बुक्स के लिए मेरे पे एमरल्ड भी नहीं है यार। मेरे को इन दोनों को लग रहा है बार बार आके रिपेयर करना पड़ेगा या फिर अनब्रेकिंग के लिए मेरे को देखना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ यार मैं थोड़ा बहुत और ग्राइंड करता हूँ अनब्रेकिंग के लिए और थोड़ी बहुत एक्सपी लेता हूँ और इस पर एन्चांट कर देता हूँ गाइस सबसे पहले। सो गाइज मैंने बस थोड़ी सी लगाई और मेरी एक्सपी ख़त्म हो चुकी है, तो अब एक्सपी का मेरे को जुगाड़ उगाड़ करना पड़ेगा। तब तक हम देखो भाई एफिशिएंसी 5 फॉर्चून फॉर्चून शार्पनेस 5 एफिशिएंसी लूटिंग 2 शार्पनेस 5 लूटिंग। गाइज ये सारी काम की बुक्स हैं ऐसे तो, एंड गाइज अभी मेरे पे सिर्फ एक ही पे लूटिंग ओके, इस पर अनब्रेकिंग भी नहीं है इन दोनों पे, तो इन दोनों पे अनब्रेकिंग यार मेरे को लगानी पड़ेगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे पे अनब्रेकिंग की बुक बहुत ज़्यादा काम है, मतलब देखना पड़ेगा अनब्रेकिंग की है भी नहीं आई थी। गाइस इसमें तो बस वुड है, इसमें से फिशिंग का सामान है और ओके ये काम की चीज़ है भाई, इसको लेकर सिल सकते हैं। और गाइस वैसे मेरे को पहले आप लोग सोच रहे हो मैंने जानबूझ के ऊपर किया है, तो भाई ऐसा ना मेरे को दिख गया था भाई ओपन करते ही मैंने उसको ऊपर किया, तो फिर मैंने सोचा भाई वीडियो में थोड़ी बहुत ओवर रिएक्टिंग तो होनी चाहिए ना गाइस, मानते हो नहीं मानते हो उस बात को, तो थोड़ी बहुत ओवर रिएक्टिंग के लिए मैंने आपके साथ एक बार में 39 बना दिए इसने। चलते हैं डायरेक्ट नीचे, नीचे जाने में थोड़ा स्लो है लेकिन भाई ऊपर ऐसे खतरनाक स्पीड में आता है ये। और यहाँ पे देखो भाई ये थोड़ी प्रोफेशनल वाइट कलर की मैंने लगाई है, VIP लगती है भाई कतई, जल्दी चल रहे हो लेट्स गो। यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे स्टेयर्स ख़त्म हो गई होंगी मेरे यहाँ पे आके। एंड गाइस ऐसा करता हूँ इसको एक्सचेंज करके यहाँ पे रख देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। अब मैंने सिर्फ इसको इधर आधी टूटी हुई है इसको जोड़ के बाकी सब पे फॉर्चून लगा दिया है, एंड मैं ऐसा कर रहा हूँ दो तीन पिकैक्स और भी लेके जा रहा हूँ, अब वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो गाइस ये तो मैं एज अ फॉर्मेलिटी ज़्यादा फास्टर के लिए लेके जा रहा हूँ, अब गाइस ये फिर रहने देता हूँ भाई माइंड रही है ठीक है। और गाइस असल में अपने जाने वाला प्रोफेशनल माइनिंग पे, एंड गाइस मैं ऐसा सोच रहा हूँ सबसे पहले हम चलते हैं 59 लेवल पे, देन मैं आपसे बात करता हूँ भाई डायरेक्ट आराम से अपने सीधी स्ट्रेट माइनिंग करने वालों में से तुम्हें। और ये ओ भाई व्हाट अ लक ओके, इसको अंदर रख देते हैं। और ये पता नहीं अभी भी गेम लैग हो रहा है यार, अभी तो थोड़ा बहुत सेटअप किया था लग रहा है उनने वापस ओके, हनी भर चुका है लेकिन बाद में देखूंगा वो सब। एंड मेरे पे स्टेयर्स नहीं है यार, मेरे को लग रहा है घर से देख कर आनी पड़ेगी अगर मेरे पे स्टेयर्स पड़ी हों तो थोड़ी। गाइस ऐसे तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट अब नीचे जाके पहुंच के मिलूंगा, लेकिन आपसे बात की उन्होंने भाई रहा ही तो नहीं जाता पता भाई मैंने आपका, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अभी माइंड मिल चुकी है भाई एक बहुत तगड़ी, और आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं ऐसी कुछ भी बोल चुका हूँ। एंड गाइस यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ रेड स्टोन है और थोड़ा बहुत लैपिस है, तो रेड स्टोन और लैपिस हम माइन कर लेते हैं अपनी फॉर्चून वाले पिकैक्स से। वैसे तो ये देखना बहुत सारा निकलने वाला है रेड स्टोन ओके 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 43 मोर देन हाफ आ स्टैक
और यहाँ से थोड़ा बहुत लेवल ले लेते हैं। ये भी मोर देन स्टैक मिल जाएगा या फिर हाफ स्टैक तो मिल ही जाएगा। ओके देखो ऑलमोस्ट स्टैक, और यहाँ पे कोई तो है। तेरी ऐसी की तैसी निकल, कहाँ है चाहिए, हट हट। एच पी होती नहीं भाई इनकी, अच्छी खासी थोड़ी बहुत ही होती है, पर हमसे लड़ने आ रखे हैं। इसको मैं ब्लॉक करते हुए कभी तो आऊँगा, वैसे मैं यहाँ पे स्पन तो कर रहा है, इसको डिस्कवर करने जाऊँ मैं भाई। उठ जाओ, चलो गाइस ऐसे करता हूँ, थोड़ी बहुत माइंड डिस्कवर कर लेता हूँ मैं, अगर डायमंड वगैरह मिलते हैं तो आपको बताता हूँ। मैंने अभी अभी मोड पैक लगाया जिसका नाम है बेटर माइनिंग, जो कि मैंने वीडियो में देखा था, और उससे क्या होता है कि और क्या आसपास एक लाइन बन जाती है, लेकिन वो तो नहीं बनी, लेकिन मेरे को अनलिमिटेड एक नाइट विजन मिल चुका है। ओ भाई वो मारने बताओ भाई, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो ये मॉब जी हैं। और गाइस यहाँ पे केव में बताइए, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ वैसे तो, और मेरे को यहाँ पे डायमंड दिख चुके हैं सबसे पहले तो भाई, 3 डायमंड फॉर्चून का भाई काम बन गया है। वैसे मेरे को डर लग रहा है, रैन टैन डैन भाई, रुक जाओ रुक जाओ, इनकी आपस में लड़ाई करवानी है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यस लड़ाई लड़ाई, ओके दैट्स नाइस। अब तुम लोग आपस में लड़ते रहो, तेरी ऐसी की तैसी, तू अकेले मेरे को कैसे मारेगी रे। ओके अच्छा 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 अच्छा, ओके अब तू गया, अब स्केलेटन गया, अब स्केलेटन की ऐसी की तैसी होगी। वैसे ये जॉम्बी भी मार सकता है, बोला जॉम्बी मर सकता है। ये ले तेरी बारी, दैन अरे एक हिट में नहीं मरा, मैं तो लगा एक क्रिट में मर जाएगा। तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू मटर हो जा, ये ले भागो, टन टन रन टन टन रन, भागो। नहीं लड़ना ही नहीं है भाई इन लोगों से, ये लोग फालतू क्या। ओ भाई ओ डायमंड, डायमंड है भाई, ओ माय गॉड भाई मैं भाग रहा था, मेरे को लगा कि डायमंड है, डायमंड है भाई। भागो 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 भागो, ओ भाई कितना सारा डायमंड, ओ भाई ये तो डायमंड वैली है। ओ अरे भाई वो फट ही नहीं रहा था, चार भाई दो भाई दो भाई बैठे, वो भी देख के मारना है छोड़ दिया भाई मेरे को साइडर में देख के। भाई यहाँ पे भी डायमंड, वहाँ पे भी डायमंड, भागो 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 भागो, मेरे पे वो है तेरी ऐसी की तैसी, चल मर। ओ भाई नॉक बैक तेरी डैल, ओ वो भी डायमंड भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई माइंड करो आसपास कुछ है क्या। तू आ जा, तू आ जा, आ जा मर जा, कुछ नहीं करते भाई, ये एंडरमैन है भाई यहाँ पे, एंडरमैन, एंडरमैन को मार, कौन मार रहा है वो बदतमीज, शर्म नहीं आती पीछे से मारती है। ये ले मेरी एचपी नहीं है, ओ पागल औरत, एक ही अलग से आया पागल। क्या एंडरमैन और स्काइटन की फाइट हो सकती है, वाह भाई हमारे तो जरा से आंखों में देख लो तो भाई बंदे को प्रॉब्लम हो जाती है, ब्यूटी पार्लर से हो क्या है ऐसा लगता है। ये ले दैट, ये ले तू आ, आ जा ब्रो फट भाई। 3 मिनट की वीडियो ऐसी निकाल दी भाई मैंने पागलबंदी कर करके, भाई डायमंड कलेक्ट करके निकलता हूँ मैं सबसे पहले। गाइस अभी मेरे पे हो चुका है इतना सारा सामान, गाइस ऊपर आने में भाई इतना टाइम लगा, मैं अपना रास्ता ही भूल गया था। नूब से भी पूछ सकते हैं, नूब मेरे बारे में बता रही है, जो मैं आपको पूछने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, ये बिल्कुल इसको बोलने की अलाउड नहीं है मेरे वीडियो में। वैसे तो मैं अभी अंदर से सारा का सारा कोल लेके आ जाता हूँ, देन उसको स्मेल्ट करते हैं अपने जितना भी गोल्ड वगैरह, और अपने डायमंड आर्मर बनाने से पहले ये मेरे को असल में रोइंग वाटर से मिला था, ये आपको बता दूंगा सबसे पहले। मेरा कोल कहाँ है, ये रहा कोल, तो गाइस मैं अपने तब तक स्टोन को स्मेल्टिंग के लिए लगाते हैं, अपने लिए एन्चेंटमेंट की बुक लेते हैं जो हमें अपने आर्मर पे लगाने के लिए चाहिए होंगी, जो कि मैं इसको कोने में ले जाके बताने वाला हूँ सारे के सारे विलेजर्स को, मतलब
प्यार से, नॉट धक्का मुक्की, आराम से प्यार से बोल रहे हैं यार बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दो ये लिए, इसको किया हाफ, दो इसमें डाले और दो इसमें डाले। मेरे को भी पता है वैसे एक से काम चल जाएगा, तो निकाल देते हैं। असल में मैंने ज़्यादा ही डाल दिया है वैसे, और मेरे पे कुछ आयरन पड़ा हुआ तो वो डाल देंगे, तो मतलब एक तरीके से खोल मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया है। नौ कोल में इतने मतलब हाँ खर्च कर दिया है, पागलपंती कर दी है। और मैं अभी लेने जा रहा हूँ एन्चेंटमेंट्स। बाय गाइस, इतने पूरे एरिया में डायमंड थे, मतलब एक दो ब्लॉक फालतू टूटे हैं वो अलग बात है। 90 डायमंड्स है, मतलब मैंने गिने नहीं है। हाँ भाई 90 भाई, देखा हो तुम्हारा भाई देख के बता देता है 90 डायमंड है। और यहाँ पे और भी थे, यहाँ ही कहीं था ये रहा भाई साहब 100 डायमंड से ज़्यादा, वो भी बिना माइन करे, सिर्फ नीचे आया था मैं और यहाँ पे के मिल ओके 2 डायमंड, सिर्फ 2 डायमंड। 100 डायमंड हो जाते कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती तुम लोगों को। तो गाइस मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से और लेके भगता हूँ, और मैंने अपना गेम मोड पीसफुल किया क्योंकि मैं भी जस्ट 7:30 पे बचने वाला था, मतलब मैंने गलती से एंडरमैन के आंखों में देख लिया था, फिर मैंने गेम मोड पीसफुल कर दिया। अरे डिफ़िकल्टी जो होती है उसको मैंने पीसफुल पे सेट कर दिया है फिलहाल। भाई इतनी चीटिंग तो यार थोड़ी बहुत तुम्हारे भाई ने चीटिंग कर ली है, तो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी चीटिंग चलती है। और मैं ऐसे रेडस्टोन आयरन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, आयरन तो अपना फार्म पड़ा है भाई पूरा, इतने सारे आयरन के ब्लॉक्स पड़े हैं तो मैं फालतू में इतने फालतू डायमंड आयरन है मेरे पे, तो मैं चाहिए तो भी बता दो, वो भी फेंक के तुम्हें ऐसे दूंगा भाई। और मैं सोच रहा हूँ तो जो मेरा XP फार्म है मैं उसको तोड़ दूँ, क्योंकि गाइस वो इतना खास भी वर्क नहीं करता है, करता तो है लेकिन भाई इतनी जल्दी भी XP नहीं देता और कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है नॉर्मल XP फार्म है, और मेरा गेम और लैग कर जाता है उसके चक्कर में। तो मैं सोच रहा हूँ उसको रिमूव कर दूँ। तो गाइज आप इस वीडियो में कमेंट करके मेरे को बता देना कि हाँ ये डिसीजन सही है, ये क्यों है, क्यों जल रहा है ये पागल। चलो गाइज यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं और अपना डायमंड आर्मर बनाते हैं, उसको एन्चेंट करते हैं और चलते हैं भाई पहले तो। और मेरे को प्रोटेक्शन 4 वाला तो विलेजर हमने फंसा ही रखा है, तो मतलब एन्चेंटमेंट तो ज़्यादा सही है नहीं, और बस अनब्रेकिंग मेरे को लेनी पड़ेगी, XP बढ़ानी पड़ेगी, बहुत कुछ करना है अभी। सब कुछ करके एंडिंग में एन्चेंटमेंट करते हैं और चीज़ें बनाते हैं भाई, सबसे पहले तो ऊपर जाके। तो गाइस अब मतलब मेरी रिकॉर्डिंग चली गई है और एन्चेंटिंग एन्चेंटमेंट सब हो चुकी है, एंड गाइस अपने पुराने आर्मर को अलविदा बाय बाय जो कहना चाहो, मतलब ऐसे पुराना तो आर्मर नहीं है ये, एक मिनट भाई है कोई कोई करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई, मेरे को लगा है मेरे इस भाई क्या हो गया ये पेन क्यों नहीं रहा। तो भाई पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, पता नहीं क्या हो चुका है, पता नहीं भाई मैं आर्मर स्टैंड को पहना ही नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही आर्मर स्टैंड को अब रख ही देता हूँ भाई, यू नो भाई अब बनाया है तो रख ही देते हैं। और मेरे को एक और एनिमल बनाना पड़ गया था, तो ये एनविल टूट गया था भाई, और ये मैंने अपने पुराने वाले जो ट्राइडेंट है उसको भी भाई, और सब पे फुल्ली मैक्स एन्चेंटमेंट है, और ये जो टूटी हुई शील्ड की जगह मैंने एक नई शील्ड बना के उसको एन्चेंट कर लिया। तो भाई ये है मेरे सारे के सारे टूल्स आर्मर, एंड ये हमारे पास कुछ डायमंड बचे हुए हैं, तो बस जो हमारा गोल था वो कम्प्लीट हो चुका है, वो भी थोड़ी देर की माइनिंग से ही, क्योंकि मेरा लक इतना तगड़ा चल गया था और इन लोगों ने सबसे ज़्यादा साथ दिया भाई एन्चेंटमेंट करने में। और मेरे को एक ग्रीन कलर का बंदा दिख रहा है तेरी ऐसी की तैसी, और गाइस उसको मैं रिपेयर कर लूँगा, मतलब वो यार मेरा टूटा पड़ा है यार क्या करूँ। और इस बंदे को मारना ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर इसके साथ किसी ने ब्रीज कर लिया ना बस वो भी नल्ला हो जाएगा नहीं तो। तो चलो गाइस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है भाई, एंडिंग में ब्लेजर मार दिया भाई, रात हो रही है हो जाओ भाई, ये रास्ते पहले सुझाते हैं क्या भाई, बेड कम पड़ गए बंदे के ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है। चलो गाइस मेरा खाना आ चुका है तो मैं जाने दो सोने, और खाना खा के मैं भी सोने जा रहा हूँ, तो बाय बाय गाइस। सॉरी गेम मॉर्निंग, मतलब इसको हम फ्रेंड से देखेंगे भाई। हेलमेट, चेस्ट प्लेट, बूट्स, सॉरी वो लगेंगे बूट्स,
हो भी है, बस वही हो गया, बहुत टाइम वेस्ट करा लिया आपको, बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो गया, लेट्स गो, वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो चलो गाइस अब बारी है इसको एन्चेंट करने की और वापस उतारना पड़ेगा यार। एंड मैंने इस पर अभी मैंडिंग नहीं लगाई है, इस पर मैंडिंग लगा देंगे, और मेरे पे एक फालतू ट्राइडेंट पर मतलब पड़ा हुआ है, तो इसको बाद में देखेंगे। अभी मैंने इस चेस्ट को अगर मैंने खोल के दिखा दिया, सॉरी हाँ सही है, वही सही चेस्ट खोल लिया, इस वाले चेस्ट को अगर मैंने खोल के दिखा दिया तो आपको मेरी ग्राइंडिंग दिखेगी भाई, और ये कम से कम 3 से 4 घंटे से भी ज़्यादा की ग्राइंडिंग है। इसमें असल में इसमें 24 एमरल्ड भूल गया था, तो उसको इंक्लूड मत करना। लेट्स गो लूटिंग, ऐसा करता हूँ मैं पहले अपना आर्मर एन्चेंट करता हूँ, फिर अपने बूट मतलब ये जो सब चीज़ें उनको एन्चेंट करता हूँ। लेट्स गो गाइस, नाउ दिस इज अ टाइम टू क्रिएट आवर डायमंड्स थिंग्स। बस इतनी इंग्लिश काफ़ी है भाई, बस बहुत बहुत हो गई भाई इंग्लिश, बहुत हो गई। ओके ओके थोड़ी सी स्टिक और ले लेते हैं, पहले मेरे को अपना आर बनाना है। सब क्लियर करो भाई, इन्वेंटरी से सब हटा दो सब भाई, एकदम नीचे चाहिए सारा सामान। डायमंड का हेलमेट, डायमंड की चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, बूट्स, और ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाए। सॉड, पिकैक्स, शवल, एक्स, ढो, बाकी का डायमंड ब्लॉक। मैं बन चुका हूँ डायमंड पर्सन भाई, इतना टाइम वेस्ट कौन करता, कौन नहीं करता होगा भाई इतना टाइम वेस्ट। सबसे पहले भाई ये सब निकालो, अपना गेम मोड चेंज कर दो भाई सबसे पहले।